आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएससी बॉक्स गर्डर में कितना एमक्यू कंक्रीट आता है, जिसका लेंथ 40 मीटर का है और इसका जो विथ है 12 मीटर का है। 100 फिट का जो विथ है 5 मीटर का है और 100 फिट का जो लेंथ है 38 मीटर 700 है। तो हम सभी का डिटेल देखेंगे, 100 फिट का, वेब वॉल का और इसमें डेस्क स्लैब का, एंड डायफ्राम है, कैंटिलीवर पर्सन का, सभी का डिटेल देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 100 फिट स्लैब। 100 फिट स्लैब का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जिसका लेंथ 38 मीटर 700 है। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। ए का जो लेंथ है 1.45 मीटर है और इसका जो हाइट है 600 mm का है। ये थिकनेस जो है 600 mm का है और यहाँ पे जो थिकनेस है ये 275 mm है। अब ये हम कैसे लिखे हैं इसको मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। आप प्लान में देख सकते हैं, 100 फिट स्लैब का ये प्लान है, जिसमें आप ये विथ है 5 मीटर का और इसमें ये लेंथ 38 मीटर 700 है। अब इसका जब एलिवेशन हम देखेंगे, एलिवेशन में आप देख सकते हैं एंड से ये 1.45 मीटर है, यानी 1450। उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक ये स्लो पर्सन है 3 मीटर का, फिर ये 4 मीटर और ये 10 मीटर 900, ये सेंटर तक, डेविएटर ब्लॉक तक इसका जो सेंटर है। उसके बाद से फिर ये सेमेट्रिकल है। तो हमने इसी को एक डायग्राम बना दिया है, जिसमें आप थिकनेस यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंड में 600 का स्लैब का थिकनेस है, 100 फिट स्लैब का, यहाँ पे 275 है, यहाँ पे 275 है और ये 275 से 600 के बीच ये 3 मीटर में वेरीज कर रहा है। वही यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख दिया है, जिससे कि क्वांटिटी निकालने में इजी होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का लेंथ 1.45 मीटर है, इसका जो विथ है 5 मीटर का है 100 फिट स्लैब का और इसका जो थिकनेस है 0.6 है और ये दो साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे 8.7 MQ आएगा। उसके बाद से हम फिर इसी तरह से बी का निकालेंगे। बी में लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है तो इसका जो लेंथ है 3 मीटर, विथ 5 मीटर रहेगा और इसमें थिकनेस है वो वेरी करेगा। वेरी करेगा कहाँ से, 275 से 600 mm तक, और इसका हम एवरेज ले लेंगे, इनटू 2 कर देंगे। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा 13.125 MQ। उसके बाद हम सी नंबर ब्लॉक का निकालेंगे। सी नंबर में ये लेंथ हो जाएगा 29.8 मीटर, यहाँ लिखेंगे 29.8 इंटू विथ 5 मीटर और यहाँ पे जो थिकनेस है 275 mm, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये, क्योंकि ये पूरा सिंगल ही है बीच का। तो ये आएगा 40.975 MQ। इसमें एक और क्वांटिटी निकालना है, जो वॉल्यूम ऑफ डक्ट पाइप है, वॉल्यूम ऑफ डक्ट पाइप, क्योंकि ये 100 फिट स्लैब में ही अंदर जा रहा है, इसके साथ लेइंग हो रहा है, इसीलिए इसको हमको इसका वॉल्यूम निकाल करके ये जो जितने भी हमने क्वांटिटी निकाला है उसमें से माइनस करेंगे। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह 3.14 रखेंगे, आर स्क्वायर इंटू एच। एच इसका जो लेंथ है 38 मीटर 700, तो यहाँ पे 38 मीटर 700 पाई स्क्वायर एच इंटू, ये कितना नंबर है, तो 10 नंबर है। 10 नंबर कैसे है मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग में। ये सेक्शन दिया हुआ है एंड सपोर्ट का, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो केबल है 1 से लेकर के 9 तक है। तो 100 फिट में 1, 2, 3, 4 और एक कॉर्नर का भी दोनों साइड का आ जाएगा। आप इस सेक्शन मिड सेक्शन में भी देख सकते हैं, ये कॉर्नर में आएगा। तो ये 5 नंबर ऑफ एक साइड और 5 नंबर ऑफ दूसरे साइड से, 10 नंबर ऑफ इसमें से डक्ट पाइप का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमको एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा, जिसमें कितना क्वांटिटी लग रहा है 100 फिट स्लैब में।
इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.461 m³। अब ये जितने भी क्वांटिटी मैंने निकाला है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो हमको फाइनल सोफिट स्लैब में मिलेगा हंच को छोड़ करके वो हमको आएगा ये 60.339 m³ आएगा। अब हम दोस्तों निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉटम हंच एट द रेट सोफिट स्लैब का, जिसका फॉर्मूला होता है एज पर शेप के अनुसार 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। इसका जो शीर्ष लंब है 150 का है और इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ कितना आएगा 36.9, ये दोनों साइड है दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.535 m³। अब ये कहाँ से आया इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ड्राइंग में, यहाँ पे 1 मीटर इसका जो बेस दिया हुआ है और 150 इसका जो हाइट दिया हुआ है, तो वही मैंने लिखा है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब इंटू इसका जो लेंथ है लेंथ। ये लेंथ 36.9 कैसे आया, सोफिट स्लैब में आप देख सकते हैं जो इसका जो टोटल लेंथ है 38 मीटर 700 है, तो इसमें एंड से 0.9 यानी कि 100 और 800, तो 900 mm एक साइड से और 900 ये दूसरे साइड से, ये जो एंड डायफ्राम है ना ये माइनस कर देंगे तो एक्चुअल जो हंच का लेंथ है इसके एंड से और इसके यहाँ तक ये निकल जाएगा आपको 36 मीटर 900। ये हमको मिल गया इतना m³, 5.535 m³ वॉल्यूम ऑफ बॉटम हंच का। उसके बाद अब हम निकालेंगे तीसरा नंबर वॉल्यूम ऑफ वेब वॉल का क्या आएगा। वेब वॉल को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ए, वॉल का जो थिकनेस है आप प्लान में देख सकते हैं, इसका जो लेंथ है ये एंड से ये 100, 800, 550 और ये 3 मीटर, 3 मीटर के या मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये 600 का ये थिकनेस का है वॉल। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 300 से 600 के बीच ये वॉल का थिकनेस वेरी कर रहा है 4 मीटर के लेंथ में। तो हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है और ये स्टेट पर्सन को सी माना है। सेम उसी तरह से इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पार्ट ए, पार्ट ए के लिए इसका जो लेंथ हो जाएगा ये 3 मीटर, 550, 800 और 100, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 मीटर 450, ये हो गया लेंथ और इसका जो विथ है 600 का है लेंथ विथ, और इसका हाइट, हाइट कितना आएगा, वॉल का जो हाइट है यहाँ पे आएगा 1.964 x 4। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 4 नंबर ऑफ वॉल साइड है 1, 2 और यहाँ पे 3 और 4। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 1.964 हमने कहाँ से लिखा, इसका वॉल का हाइट 2.5 मीटर है बॉटम से टॉप तक का इसका हाइट जो दिया हुआ है ड्राइंग में। अब वॉल हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बॉटम से 600 तक सोफिट कास्टिंग कर दिया, यहाँ तक ये स्लैब है तो ये हाइट कैसे निकलेगा, मैंने ऑटो कैड से निकाला हुआ है। ये ऑटो कैड में आप देख सकते हैं जो वॉल का हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 600 तक कास्टिंग हो चुका है और ये हंच के बॉटम फेस तक जो वॉल का हाइट आएगा 1.964 आएगा। इतना में ही हमको वेब वॉल कास्टिंग करना है, कहाँ पे जहाँ तक थिकनेस 600 जा रहा है उसके आगे वॉल का हाइट फिर चेंज हो जाएगा, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने 1.964 लिखा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 20.976 m³। अब हम निकालेंगे पार्ट बी, पार्ट बी क्या है, वेब वॉल का जो पार्ट बी है लेंथ है 4 मीटर, इसमें थिकनेस भी वेरी करेगा और इसका जो हाइट है हाइट भी वेरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस है वेब का 600 का है, यहाँ पे वेब वॉल का है 275, तो यहाँ पे हाइट अलग होगा और यहाँ हाइट अलग होगा,
इसको भी मैं आपको ऑटोकैड में दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों मिड स्पान का सेक्शन मैंने बनाया हुआ है ऑटोकैड में, जिसका वॉल का हाइट आप कास्टिंग फेस दे सकते हैं, ये हंच के टॉप से और ये जो टॉप हंच है उसके बॉटम तक जो लेंथ आ रहा है 2.105। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ हो जाएगा 4 मीटर और इसका जो विथ हो जाएगा 600 से 300 के बीच, ये वेरी कर रहा है डिवाइडेड बाय 2 × थिकनेस जो है, थिकनेस वेरी कर रहा है 2.105 से, यहाँ पे मैंने इसके लिए बताया 1.964, 1.964। अब इसका एवरेज कर देंगे इनटू 4, 14.65 mq। उसके बाद से हम सेम उसी तरह से सी नंबर निकालेंगे, इसका 30.250 लेंथ हो जाएगा, इसका विथ 0.3 है और इसका जो हाइट है मिडिल का 2.105 × 2 दोनों साइड है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 38.21 mq। उसके बाद से डी पॉइंट निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ डक्ट पाइप, ये कैसे आया, पाई 3.14 × r² 0.045, क्योंकि डाया 90 mm का है, 38.7 इसका लेंथ है और 8 नंबर ऑफ डक्ट पाइप है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1.968 mq। ये जितने भी वॉल का क्वांटिटी है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वेव वॉल का 71.9 mq। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एन डायफ्राम में जो वॉल है उसका, उसमें जो वॉल का थिकनेस है उसको हम लेंथ भी मान सकते हैं, तो 0.8 इसका लेंथ हो गया। उसका जो विथ है वेरीज है 5 मीटर 224 से 4 मीटर 216 है, ये कैसे आया क्वांटिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका एवरेज कर देंगे। आप इस ऑटोकैड में देख सकते हैं ये एन डायफ्राम का सेक्शन है जिसमें हमको निकालना है इस वाल के इनर कितना mq कंक्रीट लगेगा, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका जो डायमेंशन है 5 मीटर 224 है, ये टॉप का हो गया और इसका बॉटम में क्या आएगा 4 मीटर 216, तो ये दोनों का हमने एवरेज ले लिया है, इतना में ही ये एन डायफ्राम का वाल आएगा। उसके बाद इसके मिडिल में यहाँ पे विंडो आएगा, विंडो को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल जाएगा। उसके बाद से इसमें इसका हाइट है 1.48 आएगा, ये कैसे आएगा, टोटल हाइट है 2.5 मीटर, यहाँ सोफिट का 600 mm और यहाँ से ये 420 mm माइनस कर देंगे, ये एग्जैक्ट हाइट आएगा 1.48 × 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.177 mq। इसमें से हम वॉल्यूम ऑफ विंडो माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ विंडो, विंडो का क्या साइज है 800 mm का थिकनेस है, इसका जो विथ है 1.2 है और इसका जो हाइट है 0.9 है और × 2, दो साइड है इसे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है विंडो का साइज 1.2 0.9 और इसका जो थिकनेस है यहाँ पे 800 mm का है एन डायफ्राम वॉल का। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.728 mq। अब इस क्वांटिटी में से इसको जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 9.45 mq। 5 नंबर अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ डेक स्लैब, डेक स्लैब को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट है जिसका लेंथ 1.550 × विथ 12 मीटर का है और थिकनेस 420 mm का है, दोनों साइड है इसे दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 15.624 mq। ये कैसे आया है ड्राइंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ड्राइंग के एलिवेशन में आप देख सकते हैं जो एंड से सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग 1150 है,
और सेंटर लाइन ऑफ जो एन डायफ्राम है वो 800 का है, तो यहाँ से 400 ये हो जाएगा, ये हो गया लेंथ। इसका जो थिकनेस है 420 mm का है, और जो विथ है ये पूरे विथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 12 मीटर का ड्राइंग में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद से हम बी नंबर निकालेंगे कैंटिलीवर पोर्शन का। इसका जो लेंथ हो जाएगा 550, विथ हो जाएगा 2.750 इंटू, इसका जो थिकनेस है वो 420 से 200 mm तक ये वेरी कर रहा है। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग में, इंटू चार साइड है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.876 mq। यहाँ पे ये लेंथ दिख रहा है ना 550, ये मैंने लेंथ लिया है, और जो विथ है कैंटिलीवर पोर्शन में 2.75 ये विथ आ रहा है उसको मैंने लिया है, और थिकनेस ये 420 से 200 mm तक ये वेरी कर रहा है, तो इसका हमने एवरेज ले लिया है, इंटू ये चार साइड है इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सी पार्ट निकालेंगे, इसका जो हंच पार्ट है उसको, इसके लिए हो जाएगा 1/2। इसका जो आधार यानी कि विथ हो जाएगा 500, इसका हाइट हो जाएगा 170 इंटू लेंथ हो जाएगा 5 मीटर 224 इंटू 2, ये दोनों साइड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.5 mq। अब इसको मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। अभी जो मैंने निकाला, सिर्फ मैंने इसका क्वांटिटी निकाला, जो एंड डायफ्राम से जो हंच पार्ट सटा हुआ है इसका, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो लेंथ है 5 मीटर 224 है, जो मैंने ऑटो कैड के टॉप में दिखाया आपको, और हंच यहाँ पे दिया हुआ है 550 बाई 170 का है ये, और ये दो साइड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी है और इसके दूसरे साइड भी है। अब हम निकालेंगे पार्ट नंबर डी। इसका जो लेंथ हो जाएगा 35 मीटर 800, और विथ हो जाएगा 2 मीटर 750, और थिकनेस हो जाएगा 420 से 200 के बीच ये वेरी कर रहा है, तो इसमें हाफ कर देंगे, इनटू इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60.039 mq। 35 मीटर 800 कहाँ से आया, 40 मीटर में से 1550 और 550 इंटू 2 दोनों साइड है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 मीटर 800 आएगा। 2.75 ये कैंटिलीवर पोर्शन का है, ये थिकनेस हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया टोटल हमारे पास 60.039। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट ई नंबर है, उसका जो लेंथ हो जाएगा 35 मीटर 800, विथ हो जाएगा जो मिडिल पार्ट है 6.5 मीटर का, इंटू इसका जो थिकनेस हो जाएगा 250 mm है टॉप स्लैब का थिकनेस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 58.175 mq। ये हमने मिडिल पार्ट है दोस्तों, ये 5 मीटर 750 और 750 वहाँ तक कि हमने इसका जो विथ है वो ले लिया, 6 मीटर 500 आ जाएगा, और यहाँ पे थिकनेस है 250 mm। अलग अलग करने से ये इसका ये फायदा है कि एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल लेगा, इसलिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैंटिलीवर पार्ट को अलग निकाला है और इसके मिडिल पार्ट को अलग निकाला है। अब हम एफ नंबर निकालेंगे, हंच पार्ट का जो है 1/2 × 2 दोनों साइड है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.1 mq। यहाँ पे इसका जो हंच है आप देख सकते हैं 1 मीटर का है, और 170 mm इसका हाइट है, और इसका जो लेंथ है 35 मीटर 800 है। अब हम जब टोटल ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ डेक स्लैब का, तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाएगा 143.3 mq सिर्फ डेक स्लैब में, 40 मीटर का लेंथ और 12 मीटर का विथ है उसमें। अब हम टोटल क्वांटिटी को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 293.952, ये अप्रोक्स 294 mq होगा एग्जैक्ट क्वांटिटी।